बालिका सुरक्षा अभियान के तहत सोमवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पादरी बाजार स्थित एक विद्यालय में क्लास 6 से 9 तक के बालिका छात्रों की क्लास लगाई और उन्हें पुलिसिंग के संबंध में जानकारी दी। एसएसपी ने छात्राओं को लगातार बढ़ रही छेड़खानी और बालिकाओं के साथ हो रही दुर्घटनाओं पर उन्हें सचेत किया। एसएसपी ने छात्राओं से कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या उससे संबंधी उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें या तुरंत डायल 100 या 1090 पर जानकारी दें, जिससे तत्काल कार्रवाई की जा सके। उन्होंने छात्राओं को आगाह किया कि किसी भी घटना या दुर्घटना से निपटने के लिए गोरखपुर पुलिस आपके साथ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, वैसे आप सभी मेरी बेटियां हैं, क्योंकि मैं एसएसपी गोरखपुर हूँ। मेरी जिम्मेदारी में पूरी गोरखपुर में 45 लाख आबादी का मैं जिम्मेदार हूँ, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो और पुलिस आपकी मदद करे। तो आज आपको बहुत सारी बातें बता दी गई होंगी, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सी नई बात मैं आपको बताऊं। तो मैं बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या पुलिस के बारे में जानना चाहते हैं, आप बोले पहले, फिर मैं 10 मिनट बोलूंगा, बस में छुट्टी कर देना। और मुझे पता है आप 2 घंटे से बैठे हैं, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, बट ये मौका है आपके सामने एसएसपी से बात करने का। मैं गोरखपुर पुलिस की जो लगभग 5000 की पुलिस है उसको कमांड करता हूँ। मेरे अंडर में कोई 500 सब इंस्पेक्टर है, 2 स्टार वाले जो डिफरेंट डिफरेंट थाने में। आपको पता है जुलाई में बालिका सुरक्षा अभियान चल रहा है, जिसमें महिला बाल विकास और पुलिस विभाग मिल करके डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में जा करके हम बच्चियों के साथ लगातार वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षा संबंधी गाइडलाइंस वगैरह बता रहे हैं, और जिससे कि समाज में एक सशक्त संदेश जाए और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक माहौल तैयार हो सके। इसी क्रम में आज पादरी बाजार के एरिए में डिवाइन पब्लिक स्कूल में हम गए थे, आज हमारी पुलिस टीम गई थी, जहां बहुत सारे बच्चे थे, पूरा हाल खचाखच भरा था। उनके साथ हमने बात करी, बच्चों ने इंटरेक्शन किया, बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे, बच्चों के साथ हम लोगों ने बहुत सारे बातें करके उनका मनोबल बढ़ाया, उनको तरह तरह की जानकारियाँ 1090 डायल 100 और पुलिस को, लोकल पुलिस को कैसे संपर्क करना है, क्या पुलिस की हायरार्की है, पुलिस से कैसे शिकायत निवारण कराना, इन सब के बारे में बताया। और मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में भी बहुत दूर स्कूल था वो, अगर देखा जाए तो इस तरह के इलाकों को भी हम टच कर रहे हैं, जहां बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। सुनसान जगहों पे बड़े बड़े स्कूल हैं, 1-1000 2-2000 बच्चों की क्षमता वाले स्कूल हैं, तो अवेयरनेस का उसका निसंदेह हमें फ़ायदा मिलेगा। सर, कुछ बच्चों का क्वेश्चन इस तरह का कुछ खास जी, बच्चों ने हर तरह के क्वेश्चन पूछे कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम क्यों है, हम पुलिस को फ़ोन करते हैं तो 15 मिनट बाद आती, तो उनको बताया गया कि भाई जब आप डायल 100 करते हैं तो 2 मिनट उसको सूचना लिखने में लगता है, फिर 2 मिनट वो सूचना कंसर्न को पास होती है, उस गाड़ी को मूव करने में 5-10 मिनट लगता है, तो एक मिनिमम टाइम 10 से 12 मिनट तो हर एक को कहीं ना कहीं पहुंचने में लगता है। तो इस तरह से बच्चों के आंसर्स का जवाब दिया गया। उन्होंने पुलिस पर ये भी बताया कि भाई पुलिस सर कई जगह तंग करती है, और हमने फिर उनका सहयोग मांगा। सभी बच्चों ने बहुत बाद में संतुष्ट होकर के ये बोला कि वो भी पुलिस का सहयोग करेंगे, और पुलिस वर्ड ऑटोमेटिकली पुलिस से बना है। पुलिस एक रोमन वर्ड है, पुलिस का मतलब होता है नागरिक या सिटीजन, और पुलिस और कुछ नहीं है, एक सिटीजन है, जो जो भी एक जिम्मेदार नागरिक है वो पुलिस है। किस क्लास के बच्चे थे उसमें? 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक सभी बालिकाएं थीं।